નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, હું છું ગોવિંદ પાનસુરિયા. ખેતીની વાતો ચેનલમાં આપણું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે મારી વાડીની અંદર મુલાકાતે આપણે મધ્યપ્રદેશથી આવ્યા છીએ અને એક ભાઈ છે આપણે જે મહારાષ્ટ્રથી આવેલા છે. તો આજે અહીં મારા ફિલ્ડની અંદર કે નોખી નોખી વેરાયટી વાવી છે એની મુલાકાતે આવ્યા છીએ, તો એને આપણે માહિતી બધી આપીશું. नमस्कार किसान दोस्तों, मैं जितेन सिंह रघुवंशी आज आपको फिर से गुजरात में एक नए फार्म पर लेकर आया हूं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहां के होनहाल किसान जिनका नाम है गोविंद भाई पानसुरिया, जो कि गुजरात के माणिकवाड़ा से थोड़ा दूर इनका गांव है बगसरा तहसील में इनका गाँव है. और आज हम आपको जो वेराइटी बताने जा रहे हैं वो काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि इसका नाम जैसे कि आप जानते हैं अजब गजब वेराइटी है. और जैसा कि आप सुन रहे हैं 1000 रुपये किलो, अगर क्विंटल में देखें तो 1,00,000 रुपये क्विंटल की ये जो वैरायटी इन्होंने ये जो खरीद की है. तो क्या लगता है कि आप ये जो इतनी महंगी वैरायटी लाए हैं, क्या आप पैसे वसूल होते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं? वो तो क्या है, वो तो पूरा क्रॉप आएगा जी, अभी पता चलेगा. अभी तो ऐसा लग रहा है कि दिक्कत तो नहीं होगी. अच्छा, बाजू में फूले संगम है. ठीक है, तो देखिए किसान दोस्तों, ये अभी जो सरकारी जो हमारी यूनिवर्सिटी है उनकी सबसे दमदार वैरायटी फूले संगम 726 है. और एक तरफ ये आप देख रहे हैं और जिसमें आपको ये फलियां दिखाई दे रही हैं, तो ये देखिए पूरी भरपूर फलियां दिखाई दे रही हैं. और दूसरी तरफ हम आपको बताते हैं ये है अजब गजब वैरायटी जिसमें ये फलियां दिखाई दे रही हैं. तो जैसा कि हम नॉर्मल अभी कंपैरिजन देखें तो हाइट के मामले में देखें तो काफ़ी अच्छी खासी हाइट मिल रही है. अजब गजब वैरायटी की हमको हाइट इससे 1-1.5 फुट ज़्यादा देखने को मिल रही है. और अभी भी पत्तियां हरी हैं तो शायद थोड़ी हाइट और आएगी. अभी हाइट तो आएगी अभी और इसके बाद भी हाइट आएगी. और लेकिन हम थोड़ा अभी फलियों में ज़रूर देख रहे हैं कि थोड़ा अभी इसमें फलियाँ कम है और इसमें फूले संगम में ज़्यादा है. तो हो सकता है कि अभी भी टाइम बाकी है इसमें और फलियां आए, जो कि क्योंकि वो सब खेल है, जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, वो सब वक्त लास्ट में पता चलता है किसान को कि इसमें कितना आएगा. तो अभी आपको कोई समस्या दिखी इसमें या कोई अलग चीज? तो क्या है, इसमें इलियों का अटैक थोड़ा ज़्यादा था. तो उस हिसाब से जैसे कि इसमें क्या अलग चीज़ आपको देखने को मिली जो बाकी संगम वगैरह में देखने को नहीं मिली? इसमें ब्रांचेज ज़्यादा लगती है. ब्रांचेज फूले संगम से दो गुना होती है ब्रांच होती है. तो जैसा कि ये आपको बता दें, जो अजब गजब वैरायटी है ये महाराष्ट्र के एक किसान ने ये निकाली थी और ये वैरायटी म्यूटेशन से निकली हुई है. जैसे कि उन्होंने फार्म पर ग्रो की थी और वहाँ पर उनको म्यूटेशन दिखा, अलग वैरायटी दिखी, अलग पौधा दिखा, तो वहाँ से उन्होंने कलेक्ट की और कई गुजरात महाराष्ट्र कई जगह पर बांटी. वहाँ से ये हमारे पानसुरिया जी वहीं से लेकर आए हैं और अभी देख रहे हैं कि अभी हमको एक अच्छी खासी हाइट देखने को मिल रही है, अच्छी खासी हेल्थ देखने को मिल रही है ये. और आपने ये वैरायटी कितने एकड़ में कितना बुवाई की? एकड़ में ऐसा आपने सोचिए तो 8 केजी. तो एकड़ में सिर्फ 8 किलो ये वैरायटी होने लगी है. और आप इसको देख रहे हैं कि इसने काफ़ी अच्छा काम करें, 4 किलो लगाई है अभी. आधे एकड़ में सिर्फ 4 किलो वैरायटी लगाई है और हम देखेंगे तो ये काफ़ी कम जो सीड रेट लगता है, सीड रेट है. बाकी हम और कोई वैरायटी लेके जाते हैं तो वो ये फूले संगम में 3 गुनी लगती है. उसमें 17-18 किलो लगाई है. ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपके 18 किलो वर्सेस 8 किलो. ठीक है, और ये जो बीज है ये 15,000 रुपये क्विंटल के लगभग मिल जाता है और ये हमको 1,00,000 रुपये क्विंटल देखने को मिलता है. ठीक है, अरे फलिया में क्या है, इसमें थोड़े कम फली है, उसमें गुच्छे में फलिया है. गुच्छे में फलिया है, इसमें गुच्छे में फलिया नहीं है, इसमें थोड़ी दूर 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 है. तो संगम में जैसा कि हमको सुनने को मिला कि गुच्छे में फलियाँ आती हैं, ज़्यादा आती हैं, इसमें दूर दूर आती हैं और काफ़ी हाइट पकड़ती है और थोड़े दूर दूर तक फलियाँ आपको देखने को मिलती हैं. और जो
कोई फूल का रंग दोनों में समान है? फूल का रंग तो दोनों का समान है, समान है, लेकिन पत्तियों का रंग हम जैसे देख रहे हैं संगम का, आप देख रहे हैं कि गहरा हरा पत्ता आ रहा है और इसका जो थोड़ा हल्का रंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो गहरा हरा पत्ता दो चीज़ की निशानी है, जैसे अगर लास्ट स्टेज में आती है कि अब इसकी हाइट इतनी रहने वाली है, इससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ेगी, इसमें शायद और हाइट हमको देखने को मिले। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि गहरा हरा रंग है, अभी भी हम कह रहे हैं कि इसकी जो रूट ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है फूले संगम की, और जिसमें ज़्यादा गहरा हरा पत्ता आता है वो बताता है कि रूट ग्रोथ जो मूल की ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छी है, इसमें थोड़ा हमको कमी देखने को मिल रही है। पर फिर भी हम अभी भी हम आगे देखेंगे कि शायद इसका हमको और अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिले। और इसका आप लगभग कितना उत्पादन अंदाजा लगा सकते हैं और क्या लगता है कि, या फिर आप ये ऊपर छोड़ तो भगवान पर, भगवान पर छोड़ते हैं जी, ऐसा लगता है कि 10-15 क्विंटल कम निकलेगा। तो किसान मेरा अंदाजा ऐसा है, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कभी भी आप कोई नई चीज़ हो तो आप एक्सपेरिमेंट करने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए। कि गोविंद भाई पानसूरिया ने जो 1,00,000 रुपये किलो का बीज लिया है वो इसलिए नहीं, 1,00,000 रुपये क्विंटल माफ कीजिए बीज लिया है वो इसलिए नहीं लिया कि उनको इसमें ज़्यादा प्रोडक्शन का था, ये था वो, उनको जुनून है कि आगे उसमें वैरायटी कैसी आएगी, क्या आएगी, क्या उसका रिजल्ट है, और उस हिसाब से वो आगे किसानों की मदद कर सकें। इसलिए इनके जज्बे को सलाम है, जिस तरीके से इन्होंने आधे एकड़ में जो ट्रायल लिया है, इतने महंगा बीज लाए हैं ताकि सारे किसानों को पता चल सके कि वैरायटी कैसी है, क्या ग्रोथ करेगी, क्या परफॉर्म करेगी। और आप दोनों को लगभग खाद बीज सब समान देते हैं? बस समान देते हैं। अच्छा, कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं? भेदभाव नहीं है। अच्छा, स्टार्टिंग में और अभी डिफरेंस? और इसमें कोई और अंतर है? पहले शुरुआत जो स्टार्टिंग स्टेट था ना, हाँ, तो उसमें ग्रोथ नहीं था, इसमें ग्रोथ नहीं था। अच्छा, और पूरा खेत ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ आपने बोया ही नहीं है। अच्छा, इसमें ऐसा लग रहा था? ऐसा सबसे पहले ऐसा लग रहा था, उसके बाद जब ग्रोथ होना चालू हुआ, हाँ, उसके बाद वो ऐसा लगा कि ये इससे भी बढ़ गया हो गया। अच्छा, तो आप सोचो कि इतना महंगा बीज लेकर आए होंगे ये और शुरू में उनको ग्रोथ भी देखने को नहीं मिल रहा होगा, तो किसान के दिल पे कितना धक्का लगता है। तो ये सारे करेज रखे जाते हैं तब जाके किसानी में जुनून पैदा किया जाता है। तो शुरू में इन्होंने बोला कि इसमें कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी, काफ़ी कम देखने को मिल रहा था, और अब देख रहे हैं कि इसकी हाइट और इसकी हाइट में कितना अंतर देखने को मिल रहा है। कम से कम 1 फुट का है अंतर है अभी तो, 1 फुट, 1.5 फुट का अभी हमको सामने अंतर देखने को मिल रहा है। और आपको बीज भी बता देते हैं, ये देखिए, देखो ये संगम के बीज हैं, ये जो फली भर रही हैं, और ये इसके इसकी फलियाँ हैं। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, आपके आगे बिल्कुल सच लेके आएंगे। जब इसका हार्वेस्टिंग होगा, जब यील्ड निकलेगा, तब आपको हम फिर से आएंगे और मुलाकात कराएंगे। ये वैरायटी गर्मी में भी हमने लगाई थी, जी गुजरात में फर्स्ट टाइम मैंने ही लगाई थी पूरे गुजरात में, ठीक है। तो पूरे गुजरात में फूले संगम जो कि वैरायटी आई थी और पहली बार इन्हीं के पानसूरिया जी के खेत पे लगाई गई थी, गर्मी के सीजन में लगाई थी, समर सीजन में पहली बार। और ये भी आप ये पहली बार है, पहली बार ही लेके आए हैं, तो समझिए पूरे गुजरात में जो शुरुआती किसान होते हैं वो रिकॉर्ड तो ये हमेशा मेंटेन करते हुए दिखाई देते हैं, नई नई चीज़ें ला के बताते हैं, हम सबको चौंकाते हैं, ठीक है। और जो हिम्मत ये रखते हैं उसके लिए उस जज्बे को सलाम है।